देखिए कोरोना का तीसरा लहर बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारे विधानसभा के अंदर भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे देश रत्न मार्ग आवास पर भी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सफाई कर्मी तक पाए गए हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने कई लोगों को खो दिया, कई लोगों की कोरोना के काल के गल में समा गए। सावधानी बरतते हुए हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम 8 तारीख से 8/1/2022 से 16/1/2022 तक बिहार विधानसभा सचिवालय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस बीच समितियों की सारी बैठकें स्थगित की जाती है। समिति की बैठक अब दिनांक 17/1/2022 से प्रारंभ होगी। में रहेंगे और मोबाइल खुला रखेंगे ताकि जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी कार्य के लिए उनको बुलाया जा सकता है। सुरक्षा प्रहरी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। सभा सचिवालय का प्रतिदिन सैनिटाइजर कराया जाएगा और कंट्रोल रूम फिर से हम शुरू करेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेशन बनाने का ये कार्य को किया जाए, हमने कह दिया है कि सभी कोई भी अब आएंगे भी आगे तो बिना मास्क के नहीं आएंगे। और हम स्वास्थ्य विभाग के सचिव और मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि आपके सभी हॉस्पिटल में मास्क लगाएं, क्योंकि हमने अपने लखीसराय जिला के अंदर हॉस्पिटल लखीसराय भरैया में जाके निरीक्षण किया, कहीं मास्क की उपलब्धता नहीं है, कहीं मास्क लगा के नहीं जाता है। तो इसलिए सभी जगह मास्क लगावें, ये सरकार भी निर्देशित करे। और एक माहौल आम लोगों से भी आग्रह है कि मास्क का सभी उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। हम अपील करते हैं आप लोगों के लोग मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सरकार स्वास्थ्य विभाग पूरी सजगता के साथ, क्योंकि हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी,